नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ विपुल राजपूत और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो हम प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहे हैं, यह है प्रश्नोत्तरी रीट लेवल फर्स्ट ईवीएस और रीट लेवल सेकंड एसएस दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि दोनों के अंदर उपभोक्ता रीट लेवल फर्स्ट में उपभोक्ता जागृति, उपभोक्ता सशक्तिकरण और रीट लेवल सेकंड में उपभोक्ता जागृति, ऐसे लग के टॉपिक लगता है। तो दोनों के लिए उपयोगी है। आप अगर ईवीएस के लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट है या लेवल सेकंड के स्टूडेंट है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसके अंदर जो है लगभग 12 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो पीछे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग से जो कार्य करता है वह कहलाता है। ए, आपसी भाईचारा, बी, सहयोगात्मक, सी, सहकारिता और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कक्षा 6 की बुक के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा, सहकारिता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सहकारिता में सदस्यता होती है। ए, स्वैच्छिक, बी, अनिवार्य, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, स्वैच्छिक, यानी व्यक्ति इसमें अपनी इच्छा से जुड़ता है न कि अनिवार्य रूप से। तीसरा क्वेश्चन, सहकारिता का मूल मंत्र है। ए, एक सबके लिए, सब एक के लिए, बी, सबके हित में ही, हमारा हित, सी, दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए और सबके हित में, हमारे हित, दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने सदस्य सहकारी समिति बना सकते हैं। ए, 6, बी, 5, सी, 15 और डी, 10। तो दोस्तों, इसके अंदर राइट आंसर होगा कम से कम 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना, 1983, 1984, 1985, 1986। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1986, उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन, रामू ने दुकानदार से 10 रुपये का सामान खरीदा, तो रामू क्या है, खरीदार, उपभोक्ता, ग्राहक, सभी। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु देश में कितने आयोग है, 1, 3, 2 और 5। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब देखो, इसको थोड़ा डिटेल समझो। अगर 20 लाख रुपए तक की वस्तु का मामला है तो इसकी जांच करता है दोस्तों जिला उपभोक्ता मंच। कौन करता है, जिला उपभोक्ता मंच। अगर 20 लाख से 1 करोड़ का मामला है तो इसकी जांच करता है राज्य उपभोक्ता मंच। कौन करता है, राज्य उपभोक्ता मंच। और 1 करोड़ से अधिक का मामला हो तो उसकी जांच करता है दोस्तों कौन है, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग इसकी जांच से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन ने 30 लाख रुपए का सामान खरीदा परंतु वह खराब निकला, बेचने वाले कुछ ने किया, अब उसे कहाँ शिकायत करनी चाहिए, ए, राष्ट्रीय आयोग, बी, राज्य आयोग, सी, जिला उपभोक्ता मंच, डी, जिला न्यायालय। तो दोस्तों, पहले आपको बताया था 20 लाख से अधिक की आयोग तो क्या होगा, राज्य आयोग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपभोक्ता कितने दिनों में ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, ए, 10, बी, 15, सी, 20 और डी, 30। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा डी होगा इसके अंदर 30। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है, ए, ISI, बी, एगमार्क, सी, FPO। तो दोस्तों, इसके अंदर डी ऑप्शन सही होगा, सभी है, यानी आप जब भी कोई उत्पाद लेते हो उसके अंदर आपको मानक चिन्ह जो हॉलमार्क होता है उसको देखना चाहिए, चाहे ICI का है, एगमार्क का है या FPO का है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो ये रीट लेवल RTA 2012 SS लेवल 2 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको पहले बता चुका हूँ, कब लागू हुआ था, 1986 में। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए, यह आर्टेड 2011 EVS का लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन आया था। उपभोक्ता संरक्षण मंच, जिला मुख्यालय, तहसील, ग्राम पंचायत। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, उपभोक्ता संरक्षण मंच। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही जो है क्वेश्चन आपके हैं। और एक बात और बता दूँ, आर्टेड रीट 2015 EVS में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन को डिलीट किया गया है वहाँ पता जो इसमें ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित, वो ये आपको विधिक पारित हुआ था, और उसके बाद 91 में और 2002 में उसे संशोधन करके
बताया जाता है कि 2003 में ये लागू हुआ था वहाँ पर, ऐसा मानना है। ये उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में लागू हुआ था। 2003 में भी उपभोक्ता संरक्षण, वैसे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसका प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस है कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप सब कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बिना है, बिना ऑप्शन छोड़ के जा रहा हूँ, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी ज़रूर देंगे, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसको जो है उसका नाम कल के वीडियो में सबसे पहला बोला जाएगा कि इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ये बताना कि आपको कोई और डाउट हो या आपको हमारे चैनल के प्रति कोई सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब घर रहें, स्वस्थ रहें।